नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के टॉप 10 शेयर्स के बारे में। दोस्तों, फार्मा सेक्टर में बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसमें से हम आपको टॉप 10 शेयर बताएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बेहतरीन ये सारी कंपनियां हैं। इसमें से जो टॉप 5 है वो तो खास करके काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं फार्मा सेक्टर के टॉप 10 शेयर्स के बारे में जो कि मैंने सेलेक्ट किया। आप हो सकता है कि आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दें ये लार्ज कैप कंपनियां हैं और साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, क्योंकि फार्मा सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप भी उतना ही बेहतरीन है जितना कि ये सारे स्टॉक जो लार्ज कैप आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है डिवीज लेबोरेटरीज। इसका करेंट प्राइस है 4600, मार्केट कैप 122,000 करोड़ का है और बात करें डिविडेंड का 0.35% का डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9% और प्रमोटर्स होल्डिंग 52%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और डेट टू इक्विटी 0 है और टोटल डेट की बात करें मात्र 4.8 करोड़ का डेट है और नेट प्रॉफिट की बात करें 1,984 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और रिजर्व की बात करें 9,242 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। और वहीं बात करें लॉन्ग टर्म में चार्ट का, तो लॉन्ग टर्म में चार्ट देखिए कितना सॉलिड है। हर ये चार्ट जो है काफ़ी बेहतरीन चार्ट है और लॉन्ग टर्म में 52,000% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने और करेंट प्राइस तो आप देख ही रहे हैं 4,599.70 है और ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जब भी गिरावट मिले तो आप जरूर रूप से इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और ये जायडस ग्रुप का एक कंपनी है और ये मैं पहले भी बताया था कि अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैडिला हेल्थ केयर ज़्यादा बेहतरीन है। सन फार्मा से, सिप्ला से, लुपिन से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप तो आपको यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स बता रहे हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसके सिवा भी कई सारे स्टॉक्स हैं, फार्मा सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक हैं, लेकिन ये हमारे रिसर्च के अनुसार टॉप 10 शेयर्स है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। मार्केट कैप की बात करें 65,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 640 रुपीज है, डिविडेंड यील्ड के बाद 0.55% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.1% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 90.6% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 74.9%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.28 है, टोटल डेट की बात है 3,680 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट की बात है 2,134 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, रिजर्व की बात करें 12,890 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है और वहीं बात करें चार्ट का तो चार्ट काफ़ी सॉलिड है। देख सकते हैं कि गिरावट हुआ है, जब जब बाय ऑन डिप्स आप करते हैं बेहतरीन रिटर्न मिलता है तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ये स्टॉक काफ़ी बार बनाया है। तो जैसे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है तो बॉटम पे आपको इन्वेस्ट करना है। ये बॉटम बनाने के बाद जैसे अप ट्रेंड होता है तो बस वहां पर इन्वेस्ट करना है और फिर लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा ये स्टॉक्स। अगला है तीसरा शेयर टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, मार्केट कैप की बात करें 50,000 करोड़ का, करेंट प्राइस की बात करें 3,005 रुपीज़ का है और डिविडेंड की बात करें 1.16% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.3% का, प्रमोटर्स होल्डिंग 71.2% का, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, अगर डेट टू इक्विटी की बात करें 0.83 का डेट टू इक्विटी है, टोटल डेट की बात करें 4,825 करोड़ का डेट है, नेट प्रॉफिट की बात करें 1,252 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, रिजर्व की बात करें 5,753 करोड़ का रिजर्व है और बात करें इसके चार्ट का तो लॉन्ग टर्म में चार्ट काफ़ी बेहतरीन है और बात करें इसके रिटर्न का 3,462% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में और देख सकते हैं कभी भी आप गिरावट होता तो इसको निश्चित रूप से बाय कर सकते थे, हमेशा ये बेहतरीन रिटर्न देता, इतना सॉलिड इसका स्टॉक का चार्ट है और इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, किसी भी गिरावट में आप इसको बाय कर सकते हैं, चार्ट काफ़ी सॉलिड रहा है, हर गिरावट में ये बाई है और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये बेहतरीन स्टॉक है जो कि आपको बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। अगला जो चौथा स्टॉक है वो है इप्का लेबोरेटरीज। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगले 5 से 10 सालों के लिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें 26,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 2,090 रुपीज़ का है, डिविडेंड यील्ड 0.38% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.8% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4% का है
अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 46.3% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.04 का है। टोटल डेट की बात करें 199 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट बात करें 1140 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो हर पैरामीटर्स पर देखते हैं कंपनी काफ़ी सॉलिड है। साथ ही साथ रिजर्व की बात करें 4676 करोड़ का रिजर्व है। तो हर पैरामीटर्स पर यह कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं इसके चार्ट का, तो ये चार्ट तो काफ़ी सॉलिड है। कभी भी आप गिरावट में देखिए इसको इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको देता। और लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात 8763% का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो चार्ट देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड है। तो इस चार्ट के लिए तो काफ़ी लोग उत्तेजित होते हैं ऐसे चार्ट वाले स्टॉक्स मिले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यह चार्ट काफ़ी सॉलिड है। सिर्फ यहां से देखिए 2014 से लेकर के यहां तक 2017 तक ये स्टॉक कंसोलिडेट किया, उसके बाद हमेशा यह स्टॉक मोमेंटम किया है। तो काफ़ी बेहतरीन है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इपका लेबोरेटरीज में। अब जो पाँचवा स्टॉक है वो है पीरामल इंटरप्राइजेस। देखिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, इसकी कई सब्सिडियरी कंपनियां भी है। मार्केट कैप की बात करें 54,000 करोड़ का है। करेंट प्राइस 2312 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 1.43% का है, तो ये भी काफ़ी शानदार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.15%, प्रमोटर्स होल्डिंग 43.8%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 1.22 का डेट टू इक्विटी है। और टोटल डेट की बात करें 39,000 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात 1,332 करोड़ का है नेट प्रॉफिट। और रिजर्व की बात करें 32,000 करोड़ का रिजर्व है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करें चार्ट का, तो पीरामल इंटरप्राइजेस का जो चार्ट है लॉन्ग टर्म का वो काफ़ी सॉलिड रहा है। 1766% का ये रिटर्न है। और चार्ट देखिए कितना सॉलिड है। और ये स्टॉक बहुत दिनों से काफ़ी गिरावट में था 2017 से, तो यहाँ से चार्ट काफ़ी वीक है। तो क्या इस स्टॉक को बाय कर? बिल्कुल नहीं, ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। और देखिए पिछले एक साल में रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है, 680 रुपीज से 2300 के ऊपर जा चुका है ये स्टॉक। अभी भी ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, जैसे ही अपने ऑल टाइम हाई 3230 रुपीज को क्रॉस करता है तो वहाँ से ज़बरदस्त और एक गजब मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिलेगा। अगला जो स्टॉक है वो है अजंता फार्मा, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। करंट मार्केट कैप 18,000 करोड़ का। करंट प्राइस है 2165 रुपीज का। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.44% का डिविडेंड यील्ड है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% का। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.4% का। प्रमोटर्स होल्डिंग 70.4% का। कोई भी शेयर प्लीज की बात करें तो 15% शेयर प्लीज है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि प्रमोटर्स स्टेक काफ़ी बेहतरीन है। इतने बड़ी कंपनियों में 70% है, उसका मात्र 15% प्लेज है, कोई खास दिक्कत नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट इक्विटी 0.11 का है। टोटल डेट की बात करें 31.4 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें 654 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और रिजर्व की बात करें 2978 करोड़ का रिजर्व है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें इसके चार्ट का तो चार्ट काफ़ी सॉलिड रहा है, 9,000% से ऊपर का रिटर्न है। तो और यहाँ पर देखिए चार्ट काफ़ी सॉलिड था, थोड़ा सा यहाँ से 2015 से पूरा फार्मा सेक्टर ही काफ़ी अंडर परफॉर्म था, तो यहाँ से इस चार्ट में भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखने मिली, लेकिन वहाँ से फिर से उतना ही स्ट्रॉन्ग कमबैक चार्ट में देखने मिला। तो 2019 से ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। अगला स्टॉक है ग्लेंड फार्मा, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। मार्केट कैप की बात 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात है 3,635 रुपीज़ का है। डिविडेंड की बात है 0 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.9% है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 58.1% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी बात करें 0 है। टोटल डेट की बात करें मात्र 3.93 करोड़ का है, तो बहुत ही कम डेट है। और नेट प्रॉफिट 997 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और रिजर्व की बात करें 5,887 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। और अगर चार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ से 2020 से ये स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन चार्ट क्रिएट किया और 77% का रिटर्न दे रहा है अपने शेयर होल्डर को। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उसके बाद आता है अरबिंदो फार्मा, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। मार्केट कैप की बात है 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और करेंट प्राइस की बात करें 949 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.42% का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.5% है। प्रमोटर्स होल्डिंग 51.9% है। प्लीज परसेंट की बात करें 22.8% शेयर प्लीज है, तो काफ़ी ज़्यादा शेयर प्लीज है। देखिए यहाँ पर आप अगर प्लीज शेयर को अवॉइड करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को अवॉइड कर दें।
क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शेयर प्लेज है, तो आप इसको अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा डेट भी इसके पास ज़्यादा है, तो आप जो पीछे के पांच स्टॉक बताए हम उस पांच में से किसी को चुन सकते हैं। देखिए पहले के जो पांच शेयर बताए, छः शेयर बताए, वो काफ़ी एवरग्रीन है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देखने मिला है कि शेयर प्लेज ज़्यादा है। और बात करें इसके चार्ट का, तो ये स्टॉक का जो चार्ट है वो चार्ट देख लेते हैं कैसा है। तो इसका भी चार्ट काफ़ी सॉलिड है, कुछ खास प्लेज शेयर से फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ से 2016 से ये भी स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म था, लेकिन 2020 के बाद गजब का रैली दिखाया है। तो ये भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ से अगर रैली दिखाता तो फिर पकड़ना मुश्किल होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर शेयर प्लेज जो है वो कम होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर प्लेज शेयर बढ़ता है तो फिर ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो अगला शेयर है 9th नंबर में बायोकॉन, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। देखिए इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी भी है, साथ साथ ये उसकी पैरेंट कंपनी हो गई, तो पैरेंट कंपनी भी एक फार्मा कंपनी की, तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। और मार्केट कैप 46,000 करोड़ का है। अब देखिए छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक में करना चाहते हैं तो आप इन सब स्टॉक में कर सकते हैं। करेंट प्राइस है 389 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0 है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड की बात करें 10.3% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.2% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 60.7% है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.59 है, टोटल डेट की बात करें 4,481 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 740 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और रिजर्व की बात करें 7,000 का रिजर्व है। तो हर पैरामीटर्स पर देख सकते हैं ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अब देखिए बायकॉन की बात करें तो चार्ट का, तो चार्ट देखिए काफ़ी सॉलिड रहा है, हर गिरावट में ये बाय है, हर टिप पे जितना भी डिप आता है इसमें, मतलब गिरावट आता है उस डिप पे इसको बाय कीजिए, और जैसे राइज करता है सेल ऑन राइज कीजिए। ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, तो इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला जो 10th नंबर पे स्टॉक है वो एलेम्बिक लेबोरेटरीज, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। करेंट मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस की बात है 3,351 रुपीज़ का है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.90% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 22.5% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.4% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 60.2% है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, डेट टू इक्विटी की बात करें 0.23 का डेट टू इक्विटी है, टोटल डेट की बात करें 1,670 करोड़ का टोटल डेट है, और नेट प्रॉफिट की बात करें 1,585 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और रिजर्व की बात करें 7,353 करोड़ का रिजर्व है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है, तो आप इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर बात करें चार्ट का, तो 2015 से इस स्टॉक का चार्ट जो है काफ़ी सॉलिड है, हर गिरावट पे आप इसको बाय कर सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, गजब का रिटर्न मिलेगा, बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके ये स्टॉक आपको देगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।